जय हिंद सभी भाइयों को, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RBC सेंटर का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके काम आ सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो RBC सेंटर है वो मेरठ में पड़ता है, मेरठ कैंट में। तो उसकी भर्ती हुई थी 26 नवंबर को। वहाँ पे सिर्फ दो ट्रेड के लिए भर्ती हुई थी, एक हुई थी सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और एक हुई थी सोल्जर टेक्निकल वेटरनरी के लिए, वेटरनरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो 26, मैं आपको बता दूँ कि 26 नवंबर को मैं भी उस सेंटर में भर्ती देखने के लिए गया था, मेरठ कैंट में, नर्सिंग असिस्टेंट सोल्जर टेक्निकल की भर्ती देखने के लिए। और मैं उस सेंटर में रनिंग से पहले ही डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले 2-3 महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाया था इस सेंटर की भर्ती के बारे में, तो मैं जब वहाँ से बाहर हो के आया था तो मैंने आपको तब बता दिया था कि मैं उस सेंटर की भर्ती से बाहर हो चुका हूँ। तो अब मैं आपको बता दूं कि उस सेंटर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और उस सेंटर का पेपर हुआ था 26 फरवरी 2023 को उस सेंटर का एग्ज़ाम हुआ था और उस सेंटर का रिजल्ट भी आ चुका है और उसमें टोटल 17 वैकेंसी है और उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि उस सेंटर में का जो बच्चे गए थे भर्ती देखने को, तो वो कम से कम 400 के आसपास बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे नहीं गए थे उस सेंटर में क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड की भर्ती हुई थी। इस वजह से 400 तक के बच्चे वहाँ पे गए थे और मेरे सामने जब तक मैं उस सेंटर में था तो मेरे सामने 50 से 60 बच्चे मुझे मिला के डॉक्यूमेंट्स में ही रनिंग से पहले बाहर हो गए थे और मेरे बाद भी शायद बच्चे बाहर हुए होंगे और एग्ज़ाम में कम ही बच्चे बैठे होंगे और इसीलिए 17 वैकेंसी शायद होगी, तो इसलिए बच्चों का उतने बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पे हो गया है। जय हिंद सिंह भाई।